गाइज आज की स्टूडियो में आपको दिखाने वालू कैसे आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर या एफिडेविट बना सकते हैं। एफिडेविट या स्टाम्प पेपर बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे मैं आपके साथ वादा करता हूँ आपको इस टॉपिक पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में गाइज आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने से लेके एफिडेविट प्रिंट निकालने तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टाम्प पेपर या एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है shcilestamp.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही सर्च होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको राइट साइड आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखना, जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको सेम इस तरह से करना है, तभी आप ऑनलाइन एफिडेविट या स्टाम्प पेपर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि ये किन किन स्टेट्स में अभी अवेलेबल है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसका पोर्टल आ जाएगा, ऑनलाइन ई स्टैंपिंग पेमेंट सिस्टम। थोड़ा सा नीचे आना है, सबसे पहले आपको राइट साइड आना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ, इस पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ बता रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बताएगा यूजर आईडी, यहाँ पे गाइज आपको एक यूजर आईडी डालनी है। यहाँ पे आप कोई भी यूजर आईडी दे सकते हैं, जैसे कि गाइज मेरा नाम है फैसल, यहाँ पे मैं दूंगा फैसल 1 2 3। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक अल्फाबेट भी होना चाहिए, 1 स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए और एक अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं technical@1 2 3, टी मैंने कैपिटल लिखा, उसके बाद सारा छोटा, उसके बाद @1 2 3, मतलब कि गाइस इस तरह का पासवर्ड आपके क्रिएट करना है। इसमें एक अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, 1 अल्फाबेट भी होना चाहिए। जो पासवर्ड आप यहां पे डालोगे पासवर्ड में, वही पासवर्ड आपको यहां पे डालना है कंफर्म पासवर्ड में, यानी कि दोबारा से आपको ये कंफर्म करने के लिए पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे बता रहे सिक्योरिटी क्वेश्चन, चूज अ क्वेश्चन, इस पे क्लिक करना है। अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो इससे आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहे व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, ये मैं चूज करूंगा। इसका आंसर यहाँ पे देना है, इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ बता रहे यूजर टाइप, यहाँ पे आप इंडिविजुअल चूज करेंगे। इंडिविजुअल चूज करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। सबसे पहले यहाँ बता रहे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद स्क्रॉल करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आप डालेंगे, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ऑक्यूपेशन भी ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तरह मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम डालना है। सिटी नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। एरिया का पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। सिंपली सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर है बैंक नेम, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये बैंक डिटेल डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है, जैसा यहाँ पर लिखा है यही आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, यानी कि चेक मार्क करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लास्ट एंड पे आएंगे, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है वेरिफिकेशन ओटीपी में। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे तारे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ पे यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। योर लॉगिन डिटेल अलॉन्ग विद एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पे बता रहा है कि आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया गया, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और ईमेल आईडी को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे मैं ईमेल को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको इस तरह के एक ईमेल आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे बता रहे प्लीज एक्टिवेट द ऑनलाइन एसिस।
फॉर योर यूजर आई डी बाई क्लिकिंग ऑन दिस यूजर आई डी एक्टिवेशन लिंक। यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा है यूजर आई डी एक्टिवेशन लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। तो ईमेल आईडी एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ से बाहर आना है, आपको दोबारा से किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और इसी वेबसाइट को ओपन करना है shcile.stamp.com। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले हमने क्लिक किया था रजिस्टर नो पे, पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब हमें यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए सिंपली आपको लेफ्ट साइड आना है, यहाँ तरह यूजर आईडी, यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है। आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है, जैसा यहाँ पर लिखा है यही आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप सबसे पहले यहाँ पे स्टेप ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। पे स्टेप ड्यूटी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। सिंपली सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है, जिस भी स्टेट से आप हैं यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यानी कि थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टेपिंग सर्टिफिकेट, इस पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि चेक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नोट बता रहा है, ये नोट में क्या बता रहा है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, प्रिंट कंट्रोल प्रोग्राम। जब तक आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपका एफिडेविट प्रिंट नहीं होगा। जी हाँ, इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या आप सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, इसको आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये डाउनलोड आपको पहले ही करना है, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका एफिडेविट प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा नीचे आना है, यहाँ बता रहे सिलेक्ट स्टैंप ड्यूटी टाइप, रजिस्टरेबल स्टैंप ड्यूटी, और बता रहा है ना रजिस्टरेबल स्टैंप ड्यूटी। यहाँ पे आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, रजिस्टरेबल स्टैंप ड्यूटी। उसके बाद यहाँ बता रहे सिलेक्ट रजिस्टरेबल स्टैंप ड्यूटी, इस पे क्लिक करना है। आप स्टाम्प पेपर किसके लिए बनाना चाहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, अवार्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सेल, सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स, कस्टम बॉन्ड और एक्साइज बॉन्ड, डिलीवरी ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, डिवोर्स, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए भी आपको स्टाम्प पेपर चाहिए तो यहाँ पे आप चूज करेंगे। एफिडेविट, जैसे गाइस यहाँ पे मुझे एफिडेविट मिल गया, मैं एफिडेविट एक बनाना चाहता हूँ। अगर आपको भी एफिडेविट बनाना होगा तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे एफिडेविट पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एफिडेविट चूज किया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट ऑनलाइन सबमिशन, परचेज बाय, परचेज मोबाइल, परचेजर मेल, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपकी ईमेल आईडी होगी। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमने एफिडेविट चूज किया, यहाँ पे एफिडेविट आ गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन फॉर ई स्टैंप सर्टिफिकेट कलेक्शन, यहाँ पे है सेल्फ प्रिंटिंग ऑफ ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मिनिमम 30 करेक्टर्स, मैक्सिमम अप टू 100 करेक्टर्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये एफिडेविट आप किसके लिए बनाना चाहते हैं, इसका पर्पज क्या है, आप ये एफिडेविट क्यों बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस बता रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, यहाँ पे आपको जीरो ही रखना है। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद यहाँ बता रहे फर्स्ट पार्टी नेम, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टी का नाम देंगे। उसके बाद बता रहे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन ले, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आप सिर्फ फर्स्ट पार्टी का नाम डालेंगे। यहाँ बता रहे सेकंड पार्टी नेम, यहाँ पे आपको सेकंड पार्टी का नाम देना है। फर्स्ट पार्टी नेम में क्या डालना है, सेकंड पार्टी नेम में क्या डालना है, जो एफिडेविट बना रहा है उसका नाम फर्स्ट पार्टी में डालना है, जिसके लिए एफिडेविट है उसका नाम सेकंड पार्टी नेम में डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं EWS बनाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट पार्टी में अपना ही नाम डालूंगा फैसल अहमद, तो सेकंड पार्टी में किसका नाम डालूंगा, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, फर्स्ट पार्टी में किसका नाम आएगा जो एफिडेविट बना रहा है, सेकंड पार्टी में किसका नाम आ जाएगा जिसके लिए एफिडेविट है, ठीक। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर स्टेप ड्यूटी पेड बाय, ये परचेज कौन कर रहा है, सेकंड पार्टी वाला या फर्स्ट पार्टी वाला। यहाँ पे आपको या फर्स्ट पार्टी का नाम डालना है या सेकंड पार्टी का नाम डालना है। उसके बाद बता रहे जेंडर ऑफ पेड बाय पर्सन, सिलेक्ट जेंडर पे क्लिक करना है। सिलेक्ट जेंडर पे क्लिक करने के बाद ये मेल है या फीमेल, यहाँ पे मेल चूज करूंगा। उसके बाद बता रहे स्टेप ड्यूटी अमाउंट, आप कितने रुपए का एफिडेविट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 10 रुपीज का एफिडेविट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10।
यहाँ पे मैंने 10 लिखा, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे बताएगा पेमेंट मेथड ऑफ स्टेप ड्यूटी, सिंपली सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं चूज करूँगा रोजर पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आना है लास्ट एंड पे। तो यहाँ पे आप सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहे कि अगर आप श्योर हैं, अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ सही है, मैं ये एफिडेविट बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कुछ ओके नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अभी कैंसिल कर सकते हैं, अभी इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाएगा, पेमेंट मोड दिखाएगा, टोटल अमाउंट टू पे यहाँ पे दिखाएगा 10 रुपीज, क्योंकि मैंने 10 चूज किया था। यहाँ पे आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, यानी कि चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पेटीएम से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं चूज करूँगा पेटीएम। उसके बाद यहाँ पे टोटल चार्ज देख सकते हैं 10 रुपीज, कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करना है। पेमेंट मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। सिंपली आपको लास्ट एंड पे आना है। लास्ट एंड पे आपको एक ऑप्शन लेगा प्रिंट स्टाम्प सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट स्टम्पिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। लेकिन गाइज मैं बता दूं, ओके पे क्लिक करने से पहले आपको एक बात का जरूरी ध्यान रखना है, प्रिंटर आपको पहले से ही ऑन रखना है। प्रिंटर में आपको देखना है कि कोई खराबी तो नहीं है। अगर यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा तो दोबारा से आप इसको यहाँ से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एफिडेविट 1,00,000 का होगा, 10,00,000 का होगा, 1,00,00,000 का होगा, तब भी आप अपने एफिडेविट को दोबारा से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड आएंगे, यहाँ पे आप व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, शायद आप एक बार एफिडेविट और प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप कभी भी इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इस मतलब एफिडेविट को पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। सब कुछ सही होगा तब आप यहाँ से प्रिंट देंगे। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर चूज करना है। यहाँ पे आपका प्रिंटर अगर लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा। मैंने देखा मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे प्रिंट पे क्लिक करूँगा। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये एफिडेविट अभी आपके सामने प्रिंट किया। इसको मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लर किया है। तो गाइज इस तरीके से आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर या एफिडेविट बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर गाइज आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो बस गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।